उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के गांधी मैदान में आज केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यूपी स्थापना दिवस व राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में पहुंची। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गांधी मैदान में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया, जहां स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। वहीं बच्चों द्वारा यूपी का रंगोली से मैप बनाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, जहां हर 6 वर्षों में कुंभ होता है और प्रयागराज में हर वर्ष माघ मेले में श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं। देश में यूपी से निकलकर देश का नाम रोशन किया, जिसके लिए यूपी एक उत्तम प्रदेश है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बालिकाओं को वे कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि पढ़े बेटी बढ़े बेटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामना देती हूं। हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। राजनीतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक वीरता और पौराणिक और पर्यटन, हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। चाहे हम तीर्थों की दृष्टि से देखें, नदियों की दृष्टि से देखें, अपने योद्धाओं की तरफ से देखें, वीरता की तरफ देखें, महापुरुषों की तरफ देखें, तो हर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश हर तरह से उत्तम प्रदेश है। और सबसे बड़ा एक वो प्रदेश है जहां हर 6 वर्ष में कुंभ पड़ता है और साल में प्रयागराज में एक मांग का मेला लगता है। उससे प्रदेश में बहुत बड़ी एक ऊर्जावान धरती है। उसके साथ साथ हमारा जनपद भी पीछे नहीं है। हमारे जनपद में भी हम लेखनी की दृष्टि से देखें, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की दृष्टि से देखें, शहीदों की दृष्टि से देखें, एक पौराणिक दृष्टि से भेटौरा घाट है, अश्विनी घाट है, जोधा सिंह अटैया, ठाकुर दरिया सिंह जैसे महापुरुषों को, सोहनलाल द्विवेदी जैसे महापुरुषों को देखें, तो मुझे लग रहा है कि हमारा जनपद भी प्रदेश में पीछे नहीं है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आज है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की मैं बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसमें हर व्यक्ति को सहभागिता निभा करके बेटियों को आगे पढ़ाना चाहिए। आज यूपी दिवस के मौके पर पीड़ितों को कुछ लाभार्थियों को जो है चेक दिए, कितने लाभार्थी चेक आपके पास? सबसे पहला बात तो कि जो इस पर्सनल डिस्ट्रिक्ट है उनमें हमारा जनपद स्वास्थ्य की दृष्टि से नंबर वन आया है। जिन परिवारों के घर जले थे, जमीन नहीं थी, उनको आवास दिए गए, शहरी आवास का प्रमाण पत्र दिया गया। और मेरे मंत्रालय से जो समूह में महिलाएं अच्छा काम कर रही, उन महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। थैंक यू।